खजुराहो में 23, 24, 25 फरवरी को होंगी G20 की बैठकें। खजुराहो को सांसद विष्णु दत्त शर्मा के मार्गदर्शन में सांस्कृतिक रूप से G20 के लिए चुना गया। मुंबई से चलेगी और दो वंदे भारत एक्सप्रेस। शिरडी और सोलापुर का सफर होगा और भी सुहाना। मुंबई से दो नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलने की संभावना है। पहली ट्रेन मुंबई CSMT से शिरडी तीर्थस्थल और दूसरी ट्रेन मुंबई CMST से सोलापुर तक जाएगी। यह देश की 9वीं और 10वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें होंगी। महाराष्ट्र के अंदर चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का पहला सेट होगा। ट्रेनों को मुंबई CSMT स्टेशन से ही हरी झंडी दिखाने का प्रस्ताव है। चेन्नई में इंट्रीगल कोच फैक्ट्री में ट्रेनों का निर्माण किया जा रहा है और उद्घाटन की तारीख से कुछ दिन पहले मुंबई पहुंचेंगे। क्षेत्रीय रेलवे द्वारा कार्यक्रम प्रस्तावित है लेकिन अभी तक वास्तविक तिथि की घोषणा नहीं हुई है। CSMT शिरडी वनडे भारत एक्सप्रेस मौजूदा CSMT शिरडी सुपर फास्ट ट्रेन की तुलना में समय बचाएगी। वही सोलापुर एक्सप्रेस मौजूदा ट्रेन की तुलना में यात्रा के दौरान 1 घंटे से अधिक समय की बचत करेगी। वर्तमान में मुंबई से एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन संचालित होती है जो गुजरात की राजधानी गांधीनगर तक जाती है। गुजरात में पीएम मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाने के एक दिन बाद 1 अक्टूबर 2022 इस ट्रेन का मुंबई संचालन शुरू हुआ है। वंदे भारत एक्सप्रेस को 200 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। अभी उस गति से चलने के लिए पटरियां उपयुक्त नहीं है, इसलिए वंदे भारत ट्रेनों को अधिकतम 130 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाया जा रहा है। परीक्षणों के दौरान यह ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रिकॉर्ड गति हासिल की है। इसे भारत में चलने वाली सबसे तेज गति ट्रेन माना जाता है। भारतीय रेल प्रमुख मार्गों पर देश भर में 2023 के अंत तक 75 वंदे भारत ट्रेनों के संचालन की योजना पर काम कर रहा है। एमपी 48 विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी से रामजी भैया उतरेंगे चुनावी मैदान में।